हाय फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ब्रेकर चलाना सीखेंगे कि जो नए बंदे हैं, जो नए भाई हैं, काफ़ी सारे बोलते भी रहते हैं, काफ़ी मैसेज भी आते हैं कि यार हम ब्रेकर कैसे चलाएंगे, जब हम शुरुआत में जा रहे हैं कोई मशीन पर तो ब्रेकर कैसे चलाते हैं। तो इस वीडियो के बाद ना आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि यार नए बंदे हम अगर जा रहे हैं कहीं पर नौकरी करने या किसी मशीन पर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ अगर ब्रेकर मिलता है हमें तो ब्रेकर कैसे चलाएंगे हम। तो इस वीडियो को आपको देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे, ये वीडियो आपको पक्का ना कुछ तो सीख जरूर मिलेगी इस वीडियो से आपको। वीडियो पूरा देखना है ना। और इस वीडियो के अंदर में भाई मुकेश को मैंने लिया है और उनसे मैंने बात की, उसी की मशीन है, मेरी मशीन में हालांकि ब्रेकर नहीं है, तो उन्हीं की मशीन पर हम सीखेंगे कि ब्रेकर किस तरह से चलाते हैं। मैंने खुद ने चलाया, मैंने भी कभी ब्रेकर नहीं चलाया यार। भाई मैं आप सभी को बता देता हूँ, मैंने कभी ब्रेकर नहीं चलाया, मैंने खुद ने इस वीडियो के अंदर ब्रेकर चलाया है और आप सब देखोगे कि यार मैं किस तरह से ब्रेकर चला रहा हूँ, मैंने कभी ब्रेकर नहीं चलाया। जो नए बंदे ये सोचते हैं कि यार हमें ब्रेकर चलाना आता नहीं और कहीं हम काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमें कोई मालिक क्या बोलेगा कि यार इसे ब्रेकर चलाना आता नहीं है, तो भाई इस वीडियो के अंदर पूरा बने रहेगा। इस वीडियो से आपको बिल्कुल, ये वीडियो आपको बिल्कुल मोटिवेशन वीडियो लगेगी कि भाई नए बंदे ब्रेकर को किस तरह से चलाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ना ये वीडियो देख लेना एक बार कंप्लीट और आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेकर किस तरह से चलाते हैं। और भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार 80% जो भाई लोग हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यार भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं फटाफट कि यार ब्रेकर को किस तरह से चलाते हैं, ठीक है। तो फटाफट चलते स्टार्ट। हेलो कर दो, भाई मुकेश आप बताओ कि ब्रेकर के अंदर मतलब एक नॉर्मल जेसीबी वो खड़ी है और ब्रेकर के अंदर क्या क्या अलग से लगता है वो आप बताओ मुझे। अपने भाइयों को सभी को ये बताओ कि इसके अंदर अलग से क्या क्या लगता है। इसमें एक वाल्व अलग अलग लगता है, ये वाल्व ब्लॉक लग रहा है। मुकेश जी का कहना है कि यहाँ पर एक मिनट नीचे लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। ये वाल्व ब्लॉक यहाँ पर सेट किया गया है, ये वाल्व ब्लॉक है। इसमें से दो पाइप आ रही है ना मुकेश, टंकी से दो आ रही है, दो पाइप आ रही है जो कि सीधा अपने ब्रेकर के अंदर आती है। एक पाइप ये इधर से और एक पाइप उधर से। और इसमें से रिटर्न पाइप कौन सी है? वो पहली वाली, ये रिटर्न पाइप है भाई ब्रेकर की। और इसके अंदर ऑयल आता है प्रेशर से, और जिसे इसे क्या सीजल बोलते हैं ना, इसे सीजल बोलते हैं। और इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है वरना टूट जाता है ये, अगर थोड़ा सा भी इसे इधर उधर कर दिया तो देख सकते हो। और ब्रेकर में भाई कितना खर्च आ जाता है ब्रेकर अलग से सेट करवाने पर? करीब पाँच लाख रुपये। अच्छा सा अच्छा ब्रेकर है ना। और अगर नॉर्मली हम अगर मतलब छोटा मोटा ही करते हैं या फिर मतलब ऐसा कि चालू काम करते हैं तो वो कितने में पड़ सकता है? लगभग लगभग 2.5 लाख रुपये पड़ता है। 2.5 लाख रुपये में मतलब चालू है वो, चालू कंपनी का ही होता है। और अच्छा ब्रेकर हमेशा अच्छा होता है और बार बार कोई दिक्कत नहीं देता है, और एक बार पैसा लग जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी से हम देखते हैं, ये पाइपें लगी हुई है यहाँ पर सेटअप किया जाता है करीब 4-5 लाख रुपए में। अच्छा ब्रेकर और सेटअप पूरा हो जाता है, वाल्व ब्लॉक और सारा कुछ सिस्टम आ जाता है इसका। और अभी हम इसको चला के देखेंगे, भाई मुकेश जी हमें चला के बताएंगे। तो भाई एक मिनट हमें चला के बताओ, अंदर चलते हैं क्या क्या है अंदर। अंदर भी शायद कुछ लगा हुआ है ना, बटन वगैरह, पेडल लग रखा है इसका, पेडल वगैरह आता है। तो पेडल कहाँ पे? ये वाला इसका पेडल है ना, ये इसका पेडल है। जैसा कि ये हॉर्न का बटन काम करता है इसी तरह से, ये भी उसी तरह से काम करता है, और इसको दबाने से ये ब्रेकर काम करता है। तो एक मिनट के लिए चालू करके बताएंगे भाई। चालू कर दे रहे हैं। हाँ तो ये भाई हमने चालू कर दी मशीन, और अभी देखते हैं यहाँ पर मिट्टी में ही चला के बताएंगे हम, क्योंकि अभी यहाँ पर पत्थर तो है नहीं। तो ये रहा भाई अपना ब्रेकर, और ये रहा, और ये यहाँ पर पेडल दबाया जाएगा तभी उस उधर से आवाज़ आएगी। बस 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 मुकेश जी बस। तो इस तरह से ब्रेकर का सेटअप हुआ है, और ये कंपनी में चल रही मशीनें सारी, और ये भाई मुकेश, और ये वाली अपनी मशीन, और वो गैंग आ गई पीछे से ट्रैक्टर। और तो भाई
वीडियो आपको कैसा लगता है भाई? मुकेश जी और कुछ बताना चाहेंगे आप? और तो कुछ कुछ है यार, तो ब्रेकर करीब से 4-5 लाख रुपए में आता है। और नई मशीन के साथ में अगर लेना चाहते तो कितना खर्च तक आ सकता है इसका? मतलब एक जैसे भी नई लेते हैं तो उसके साथ जैसे कंपनी से ब्रेकर लेते हैं? नहीं आ गई तो बता रहा हूँ। नहीं, जैसे भी कंपनी का, जैसे भी कंपनी का यही लगता है, और करीब करीब ये लगता है मेरे हिसाब से 1-2 लाख रुपए ज़्यादा होने चाहिए उसके, है ना? तो 1-2 लाख रुपए जैसे भी कंपनी के अलग से ज़्यादा लगते हैं, और बाकी मार्केट से ये ब्रेकर लगा हुआ है, लेकिन ब्रेकर बहुत अच्छा है, मैंने भी इसे देखा है, और सीसी वगैरह रोड तोड़ना और पत्थर फोड़ने के लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है ब्रेकर, और इतना सीजल भी नहीं तोड़ता ये, तो बहुत अच्छा ब्रेकर है ये।